वही गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य इलाके में पोटाश बम से भालू का शिकार करने वाले दो आरोपियों को 25 दिनों के बाद एंटी पोचिंग टीम ने उड़ीसा बॉर्डर कालीमाटी से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ईदागांव बफर परिक्षेत्र के पहाड़ी के नीचे पोटाश बम से भालू का शिकार किया गया है। इस सूचना पर वरुण जैन उपनिदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के मार्गदर्शन में आरोपी हजारी और उत्तम को एंटी पोचिंग टीम ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए आरोपियों को मैनपुर लाया गया, जहां दोनों आरोपियों ने पोटाश बम से भालू का शिकार करने की बात कबूल की। इसके तहत ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। गरियाबंद से फारूख मेमन की रिपोर्ट। दिनांक 8 अप्रैल को टाइगर रिजर्व के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में भालू का शिकार किया गया था, जिसमें दो आरोपी फरार थे, जिनको एंटी पोचिंग टीम ने अभी दो दिन पहले ही जो है उड़ीसा बॉर्डर कालीमाटी से गिरफ्तार किया है। इसमें यह पता चला है कि पोटाश बम के माध्यम से जो है शिकार किया गया था, और पोटाश बम जो है मध्य प्रदेश कटनी के जो है कोई शिकारी गिरोह से जो है खरीदा गया था, जिससे जो है मध्य भारत में एक बड़े शिकारी गिरोह का भी जो है सक्रिय होने का भी जो है इंडिकेशन मिला है। ये जानकारी हम जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट टीम के साथ साझा करेंगे, ताकि जो एक फरार आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।